दुनिया में आज सबसे पॉपुलर करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स यानी यूएस डॉलर्स, और उसी से सारी करेंसीज को कंपेयर भी किया जाता है। और ये करेंसी पूरी दुनिया में कहीं भी चलती है, यानी कि हर देश यूएस डॉलर्स को एक्सेप्ट करता ही है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही सबसे ज्यादा अमीर हैं, जिनमें से कुछ लोग हैं अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के मालिक बिल गेट्स, फेसबुक के निर्माता मार्क जकरबर्ग आदि। हमारे भारत की अगर बात की जाए तो अंबानी परिवार, टाटा परिवार और बिरला परिवार कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हर इंसान जानता ही है, और इन्हीं लोगों के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस धरती पर मौजूद हर इंसान का पैसा मिलाकर देखें तो आपको क्या लगता है टोटल फिगर कितना होना चाहिए? इसी सवाल की खोज में मुझे कुछ समय लग तो गया, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। मैं सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस था इस बात को जानने के लिए कि पूरी दुनिया के पास आखिर पैसा है कितना, क्या किसी व्यक्ति के पास इसका हिसाब है। सवाल ये है कि दुनिया के टोटल पैसों को कैलकुलेट किया कैसे जाए। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे भारत का, और सिर्फ भारत की ही अगर बात की जाए तो यहाँ हर मिडिल क्लास फैमिली के पास घर में लगभग 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का लूज चेंज यानी कि छुट्टा पैसा तो मिल ही सकता है। और ये भारत की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3% है, यानी कि 40 मिलियन या 40 करोड़ लोगों का छुट्टा यानी कि लूज चेंज अगर टोटल किया जाए तो उसका अमाउंट होगा कुछ 40,000 करोड़ रुपए, जिसका डॉलर्स में अमाउंट आता है 5.76 बिलियन डॉलर्स। लेकिन वहीं अगर भारत के richest 10% लोगों का लूज चेंज अगर देखा जाए तो वो हो सकता है 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपीज, और इस अमाउंट का टोटल किया जाए तो वो होता है 650,000 करोड़ रुपए, जो यूएस डॉलर्स में 93.67 बिलियन डॉलर्स तक होता है। ये तो हो गया भारत में रहने वाले सिर्फ दो मेजर कैटेगरीज वाले लोगों का सिर्फ लूज चेंज का टोटल। अब बात करते हैं अलग अलग मनी टाइप्स की। इन मनी टाइप्स को एम्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसकी रेंज M0 से लेकर M3 तक होती है। आई नो ये कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि ये मेरे भी सर के ऊपर से गया था जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था। नेवरदलेस मैंने इसे समझ लिया है और मैं इसे अभी और सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। अब जानते हैं द अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर कि आखिर पूरी दुनिया का पैसा मिलाकर होता कितना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो मनी टाइप्स होते हैं ये होती क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मनी टाइप्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है M0 से लेकर M3 तक। M0 वो पैसा है जो पूरे विश्व में सर्कुलेट होता है, यानी कि आपके पास आज जो नोट्स और कॉइन्स हैं उनसे आप अगर कुछ खरीदते हैं तो वो नोट्स और कॉइन्स दूसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे, और ऐसे ही पूरे विश्व में M0 सर्कुलेट होता रहता है, और इसका टोटल है 5 ट्रिलियन डॉलर्स। जिसके बाद आता है M1, ये सिर्फ कैश या कॉइन्स ही नहीं बल्कि बैंक्स में डिपॉजिट किया जाने वाला पैसा और किसी एक व्यक्ति या बड़ी कंपनीज द्वारा निकाला जाने वाला पैसा भी है, जिसे अलग अलग देशों की करेंसीज और खरीदी गई प्रॉपर्टीज या एसेट्स में कैलकुलेट किया जाता है। और ये ओवरऑल मनी सप्लाई का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो M1 मनी सप्लाई का सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि M1 में आने वाले सभी एसेट्स और करेंसीज को जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसे ही पूरे विश्व में M1 का टोटल आता है 3.737 ट्रिलियन डॉलर्स। M0, M1 और M2 इन तीनों को मिलाकर जो टोटल अमाउंट है, दैट इज स्टैगरिंग 28.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि M0 विश्व के पैसों का सिर्फ 10% ही है। M0 और M1 के बाद आता है M2। ये मनी सप्लाई का एक ऐसा एस्टिमेशन है जिसमें M1 में पाए जाने वाले सारे फैक्टर्स तो होते ही हैं, उनके साथ दूसरी चीजें जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जमा की गई राशि की एक बड़ी संख्या यानी कि उनका एक बड़ा अमाउंट होता है जिसे एक फंड में डाल दिया जाता है और इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसके साथ ही दूसरा होता है मनी मार्केट सिक्योरिटीज। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एक अलग वीडियो का अलग टॉपिक है। बस इतना जान लीजिए कि ये किसी भी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक और गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। और तीसरा होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। इसी तरह से दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स की बात की जाए तो उनका टोटल एस्टिमेशन होता है अराउंड 70 ट्रिलियन डॉलर्स। और इसके बाद अगर ग्लोबल डेट यानी कि पूरी दुनिया के कर्ज को देखा जाए तो उसका टोटल एस्टिमेशन होता है 199 ट्रिलियन डॉलर्स। और ये अमाउंट बहुत ही छोटा दिखेगा अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स मार्केट की। डेरिवेटिव्स मार्केट का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अपनी वैल्यू अक्वायर करते हैं किसी भी एसेट से, इंडेक्स से और इंटरेस्ट रेट की परफॉर्मेंस से।
और इन डेरिवेटिव्स मार्केट का टोटल एस्टिमेशन 630 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में आपने अकाउंट्स की थोड़ी पढ़ाई ज्यादा कर ली है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पूरे विश्व का पैसा अगर देखा जाए तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, मैंने क्वाड्रिलियन कहा, और 15 तो इसमें सिर्फ जीरो ही होते हैं। तो आप एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, क्योंकि मोबाइल के कैलकुलेटर में इतने जीरोस आई गेस नहीं आ पाएंगे। अब उस पेन से उस कॉपी में लिखें 2 और उसके आगे 15 जीरो लगाएं। जो अमाउंट आपको दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट इस पृथ्वी पर आज मौजूद है। तो बेच दें किसी एलियन को, काफी माल मिल सकता है। अगर बेच दी तो इस पृथ्वी पर मौजूद एक एक इंसान को 1,36,00,000 रुपए मिल सकते हैं। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए और आपको आज की अकाउंट्स की पढ़ाई में मजा आया। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।